हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कमाल की वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल की और उसके साथ साथ पोको F1 मोबाइल की। तो दोनों की प्राइस लगभग अब सेम से हो चुके हैं। पोको F1 जब मार्केट में आया था तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आज आज के ज़माने में, मतलब कि आने वाले दिनों में या अभी, आप कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं इन दोनों में से। तो आपको कौन सा मोबाइल अच्छा रहने वाला है अगर आप पबजी खेलने के लिए उन दोनों मोबाइल में से किसी को चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा पबजी खेलने के लिए। तो रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल जो है वो शाओमी का बनाया हुआ है और पोको F1 वो भी शाओमी का है, मतलब कि दोनों की कंपनी के मालिक एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग मोबाइल से। तो चले बात करते हैं इन दोनों मोबाइल में से। अगर आप इन दोनों में से किसी एक मोबाइल को लेना चाहते हैं पबजी खेलने के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो रेडमी का नोट 8 प्रो मोबाइल जो कि मीडिया टेक हेलियो G90T प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ हुआ बहुत ही कमाल का गेमिंग के लिए प्रोसेसर है और उसे कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंट किया है शाओमी ने। और इसके ग्राफिक अल्ट्रा और HDR पर चलते हैं और स्मूथ में एक्सट्रीम में जाते हैं। तो वो उसके साथ ये पबजी को बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है अच्छा। और बात करें पोको F1 की तो उसमें Snapdragon 845 का प्रोसेसर दिया है, जो कि Snapdragon का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है और उसके साथ ही गेमिंग को HDR और अल्ट्रा पे चलाता है। और ये पबजी खेलने के लिए बहुत ही कमाल का फ़ोन बन जाता है। और अभी लेटेस्ट में बात करें तो जो कि शाओमी का रेडमी है उसको कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिया है उस और पोको में नहीं मिलता। अगर आप पबजी के साथ साथ गेमिंग के लिए मोबाइल को यूज़ करने वाले हैं तो आपके लिए शाओमी का मोबाइल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और मीडियाटेक का प्रोसेसर है और उन्होंने इसको गेमिंग के लिए ही बनाया है और पबजी उसमें बहुत ज़बरदस्त चलती है। और कंपैरिजन करें तो बैटरी की लगभग दोनों में एक ही जैसी मिलती है और दोनों की बैटरी बैकअप भी 5.5 घंटे के आसपास चलती है। तो आप कंटिन्यू पबजी चलाएंगे तो 5.5 घंटे तक आपका मोबाइल चलेगा और फुल HD ग्राफिक पर आप पबजी को आराम से 60 FPS में चला सकते हो। और हाल ही में उनकी प्राइस भी 15, 16 और 17 हज़ार के आसपास आई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा शाओमी को, क्योंकि रेडमी 8 प्रो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ मोबाइल है और उसमें पोको की तरह लगभग सेम परफॉर्मेंस देता है और दिखने में भी काफ़ी स्लिम मोबाइल है और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है फुल डिस्प्ले के साथ। और पोको में हमें ये नहीं मिलता। तो हैंडलिंग वाइज भी ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है और कंपैरिजन किए तो अभी रेडमी का नोट 8 प्रो मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और आपको भी इसी को लेना चाहिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।